नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी को डेफिनेशन को समझा था, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है एंड इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मैंने कुछ टर्म्स के बारे में वहाँ पर बात किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन दी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बात किया था कि एक हायरार्की होती है एंड इन दैट हायरार्की देर आर वेरियस टर्म्स लाइक दी व्हाट इज़ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ कम्युनिटी, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, बायोम एंड दी बायोस्फेयर। ठीक, एंड इवन वी हैव टॉक्ड अबाउट टर्म्स लाइक दी हैबिटेट, नीशे। ठीक है, इस तरह के टर्म्स के बारे में मैंने बात किया था। नीशे का मतलब मैंने बताया था द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देन वी आई हैव टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ दी इकोलॉजी टू। यहाँ पर हमने बात किया था दैट व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ दी अडेप्टेशन, वेरिएशन, स्पेशिएशन, म्यूटेशन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। ठीक, तो इन टर्म्स के बारे में हमने बात किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सो बेसिकली दिस पार्ट वी हैव डन एंड इवन वी हैव डन दिस पार्ट। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट दी फर्स्ट द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक, और उसमें हम बात करेंगे फिर एनर्जी फ्लो एंड दी इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। क्लियर, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दी बायोकेमिकल साइकिल। क्लियर, अगर मैं बात करूँ कि इन्वायरमेंट में जो साइकिल्स होती हैं तो कितने तरह की होती हैं, तो दो तरह की साइकिल्स होती हैं। ठीक, बायो जियोकेमिकल साइकिल के अंदर दो तरह की साइकिल्स होती हैं। ठीक, पहली होती है गैशियस, जिसके बारे में हम बात करेंगे, एंड द सेकेंड इज़ दी सेडिमेंट्री। ठीक, तो इन दोनों साइकिल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नाउ विदाउट एनी डिले स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो द टॉपिक इज़ द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पर हम बात करेंगे उन फंक्शंस के बारे में जो इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ आपको, जो पहले मैंने दिया भी था कि जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है आप ऐसे समझें, सबसे पहले हैबिटेट समझें। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद दी सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सो दिस इज़ दी हैबिटेट। और एक इकोसिस्टम में देर आर मैनी हैबिटेट्स, बहुत सारे हैबिटेट होते हैं इकोसिस्टम में। नाउ दीज हैबिटेट आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक, एंड दीज हैबिटेट आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद दी सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक, और ये पूरा क्या बन जाता है, दिस होल बिकम द इकोसिस्टम। नाउ देर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, जहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, द फर्स्ट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन और द इकोसिस्टम डेवलपमेंट। क्लियर, द सेकेंड इज द होम्योस्टेटिस्टिक, एंड द थर्ड इज द एनर्जी फ्लो थ्रू दी फूड चेन, एंड द फोर्थ इज़ दी न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसको हम बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। क्लियर, नाउ द फर्स्ट इज़ दी इकोलॉजिकल सक्सेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, और इसी को ही बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम का डेवलपमेंट। नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है कि सपोज देयर इज़ अ वन ऑर्गेनिज्म, ठीक, और उससे वो चेंज होके बन रहा है दूसरा ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो पूरा एक हायरार्की का जो स्ट्रक्चर है, ठीक, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे हायरार्की चेंज होती है। ठीक है, नाउ सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है। सिंपल सी बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो प्लांट्स हों और जो भी एनिमल स्पीसीज हों वो क्या हों, वो चेंज हो जाएँ या रिप्लेस्ड हो जाएँ विद दी अनदर। क्लियर, विद अ सर्टेन टाइम पीरियड। सो दिस इज नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन, मीन्स देयर प्लांट्स, क्लियर, एंड देयर एनिमल्स, और एक आफ्टर सम टाइम वो क्या कर रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं दूसरे प्लांट्स में या दूसरे एनिमल में। सो दिस इज नोन एज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक, जैसे मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था कि जैसे सिंपल सी बात है कि हम ह्यूमंस भी जो इवॉल्व किए हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके इवॉल्व किए हैं। ठीक, तो इसी को ही बोलते हैं सक्सेशन। क्लियर, तो इतनी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए दैट द सक्सेशन, ठीक, सक्सेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। ठीक,
within the one community replacing the another until the stable mature climax community is developed. तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी, अगर एक कम्युनिटी है सो दिस कम्युनिटी विल चेंज इनटू द अदर बिग कम्युनिटी, देन इट विल चेंज इनटू द अदर बिग कम्युनिटी, बट ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा सिलसिला. सो दिस विल स्टॉप समवेयर वेयर इट अटेन्स द स्टेबिलिटी. क्लियर? सो द फैक्टर जो जहाँ पर ये रुकेगा, ठीक है, वहाँ पर ये स्टेबिलिटी को अटेन करेगा. ठीक, मीन्स देर विल बी एन स्टेबल मैच्योर एंड मैच्योर स्टेट. ठीक, एंड दिस स्टेट इज नोन एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी. ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्लाइमेक्स आ गया, सो हेंस इट इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्लियर? तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेजेस इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक, अब ये क्या है, देखिए जब कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसके कई सारे स्टेजेस हैं. जैसे मैंने बोला कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकंड स्टेज, दिस इज़ द थर्ड स्टेज. तो ये क्या है, स्टेजेस हैं. ठीक, तो यहीं पर इसकी बात की गई है. फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्लांट है, ठीक, और उस प्लांट में क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होकर दूसरी, बेसिकली कोई जगह है खाली पड़ी, जगह कोई खाली जगह है. ठीक है, अब उस खाली जगह में सबसे पहले क्या आएंगे, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे. ठीक, क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं इन्होंने ही वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट किया है, हेंस दे कॉल्ड एज दी पायनर कम्युनिटी. क्लियर? बिकॉज ये प्लांट्स ने क्या किया है, पहले ही डेवलप स्टार्ट किया, सबसे पहला, यानी कि फर्स्ट जो जेनेसिस है, जो जेनेसिस है, ठीक, वो जेनेसिस इन्हीं प्लांट्स से स्टार्ट हुई है, हेंस दे आर कॉल्ड दी पायनर कम्युनिटी. नाउ जो प्लांट्स इस जगह पे होंगे तो वो तो पायनर कम्युनिटी में हो गए, बट जो प्लांट्स इस जगह पे हैं, ठीक, इस स्टेज में, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहते हैं हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी. जिसे मैंने यहाँ पर बताया भी, जो लास्ट स्टेज में होती हैं प्लांट्स, ठीक है ना, या एनिमल्स यानी कि फ्लोरा और फौना, उन्हें हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्लियर? नाउ उसके बाद, अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज अ स्टेबल मैच्योर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग. मैंने बताया था ना कि लास्ट में अगर यहाँ पर ये आके रुका है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर मैच्योर एंड दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स. क्लियर? एंड And the stage leading to the climax community is known as the successional stages or the series. तो ये word series आपको पता होना चाहिए कि climax community की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो stages चल रही हैं, ठीक है ना, तो हर एक stage को बोलते हैं हम series. जैसे ये पहली state है, ये दूसरी state है, ये तीसरी state है, तो हर एक state को हम लोग क्या बोलेंगे, series. ठीक, series. Now each transitional community that forms and replaces during the successional is called the stage in the succession or the serial community. ठीक, तो हर जो stage है, जो transition stage है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, serial community. Now एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको, that the succession is characterized by the increase the productivity. So जैसे जैसे आप एक stage से दूसरी state में जाओगे तो क्या होगा, जो productivity है, that productivity will increase and there will be also shift of the nutrient. So nutrient जो होंगे वो भी एक stage से दूसरे state पे shift करेंगे, and they will also increase the diversity of the organism. So diversity of the जो organism है वो भी क्या होगी, वो भी increase होगी, and there will be also increase in the complexity of the food web. So जो food web की जो complexity होगी, that complexity will also increase, and the succession will be occur faster in the existing, faster in area existing the middle or the large continent. तो अगर कहीं पर भी कोई भी middle या large continent है, ठीक है, large continent है मतलब कि जो area occupied है वो ज़्यादा है, so basically वहाँ पर जो succession होगा वो बहुत ज़्यादा faster होगा. अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो primary succession होता है और secondary succession होता है, उसमें secondary succession होता है that is more faster, वो क्या होता है, ज़्यादा फास्टर होता है इन कम्पेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन. ठीक, उससे पहले आप इस चीज़ को समझ सकते हैं इस पिक्चर के द्वारा. सपोज जैसे यहाँ पर एक ये बेयर रॉक है, ठीक, और उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, सबसे पहले बेयर रॉक मतलब क्या है कि कहीं पहाड़ थे, अब पहाड़ पे क्या होगी, पहाड़ में लीचिंग हुई है, ठीक है ना, वेदरिंग हुई है, उसकी वजह से क्या बनी, सॉइल बनी, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सॉइल है. ठीक, फिर उसी सॉइल से क्या रही है, छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं. ठीक, तो ये जो प्लांट्स हैं ये सबसे पहले बार आए हैं, हेंस दे कॉल्ड एज दी पायनर स्पीशीज. क्लियर? और उसके बाद आती है इंटरमीडिएट स्पीशीज. इंटरमीडिएट स्पीशीज मीन्स ये कहीं ना कहीं बीच में आएगी, एंड देन एट लास्ट देयर विल बी दी क्लाइमेक्स स्पीशीज. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज दी प्राइमरी सक्सेशन. इसके ऑपोजिट एक सक्सेशन होता है विच इज नोन एज दी सेकेंडरी सक्सेशन. उसमें क्या होता है,
यहाँ पर क्या होता है, सपोज यहाँ पर जब हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आ गए थे, ठीक है, इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आने के बाद हो सकता है कि कहीं कोई आग लग जाए, ठीक है, जैसे यार ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई, नाउ दिस क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ स्टेबल, दिस क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ मोर मैच्योर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स, ठीक, सारी चीज़ें इसमें हैं, बट हो सकता है कहीं कोई फायर लग गया, कुछ हो गया, तो बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ पूरी बर्न हो जाएगी। नाउ जब ये पूरी बर्न हुई, कहीं फायर लगी, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ बचेगा तो है नहीं, बट कुछ बचेगा, क्या बचेगा, जो प्लांट्स थे यहाँ पे, इन प्लांट के जो रेसिड्यू हैं वो यहाँ पर बच जाएंगे, क्लियर। अब ये जो रेसिड्यूज होंगे, ठीक, ये रेसिड्यू एज ए मैन्योर का काम करेंगे, खाद का काम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब प्राइमरी सक्सेशन में जो पहला जो प्लांट आया था, ये जो पहला प्लांट आया था, ये कैसे आया था, जब ये रॉक थी, इस रॉक में वेदरिंग हुई, इसमें लीचिंग हुई, और उसके बाद सॉइल बनी, और उस सॉइल के बाद पहला प्लांट आया। तो यानी कि जब ये प्लांट आया, तो इससे पहले कोई भी प्लांट नहीं था, कोई मैन्योर नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ग्रो होने में। तो यानी कि जो प्राइमरी सक्सेशन है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग दी फर्स्ट टाइम, हैंस इट इज़ वेरी मच टाइम टेकन। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दी सेकेंडरी सक्सेशन, तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, ये थोड़ा जल्दी होता है इन कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि इसको पहले से ही कुछ प्री डिटरमाइंड कंडीशन मिल गई, है ना, कुछ प्री कंडीशंस मिल गई इसके फ्लरिश होने के लिए, ठीक, ताकि ये फ्लरिश हो सके, उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस इसको पहले से मिल गई। तो यहाँ पर जो पाइनली स्पीशीज आएगी, ठीक, वो क्या होगी, वो बेसिकली वो जल्दी ग्रो करेगी इन कम्पेयर टू दी प्राइमरी सक्सेशन, और बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी इसमें, इसमें भी इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बनेगी, एंड देर बी ऑल्सो दी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ जो होगी विल बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर स्टेबल, मोर मैच्योर, जैसे पहले था सेम इट विल बी देयर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जीरो ईयर है, यानी कि ये पाइनर कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पाइनर कमेटी में क्या है, यहाँ पर जीरो ईयर है, विद इन 150 ईयर, 150 सालों के अंतर्गत क्या हो गया, ये पाइनर कमेटी से कहाँ पहुँच गया, कॉम्प्लेक्स यानी कि क्लाइमेक्स स्पीशीज़ पे पहुँच गया। पर अगर आप इसके बारे में देखोगे प्राइमरी सक्सेशन में, तो प्राइमरी सक्सेशन में पाइनर स्पीशीज़ और कॉम्प्लेक्स के बीच में नियर अबाउट कितना फ़र्क है, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यहाँ पर टाइम स्केल नहीं दिया हुआ, ओके, यहाँ पर टाइम स्केल नहीं दिया हुआ, पर ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है इन कम्पेयर टू द दिस मच, ठीक है, ये सिर्फ 150 सालों में हो गया, ठीक है, और यहाँ पर यही देख लेना, 100 ऑफ ईयर्स, यानी कि सिर्फ यहाँ से यहाँ पहुँचने में 100 ऑफ ईयर हैं, पर यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर पूरा फाइनल पहुँचने में सिर्फ 150 साल लगे हैं, सो दिस इज़ द डिफरेंस। नाउ ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, फैक्ट्स लिखा हुआ है, जैसे प्राइमरी सक्सेशन के बारे में बात किया है कि वहाँ डेट टेक प्लेस होता है वेयर देर इज़ नो कम्युनिटी हैज़ एग्जिस्टेड प्रीवियसली, यानी कि पहले कोई भी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, वहाँ पर ये प्राइमरी सक्सेशन होगा, क्लियर। एंड सच एरिया इंक्लूडिंग दी, जैसे कोई रॉक आउटपुट है, ठीक है, न्यूली फॉर्म डेल्टाज हैं वहाँ पर मिल सकता है, या कहीं सैंड ड्यून्स हैं, या कहीं पर कोई इमर्जिंग वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, सो दे आर दी प्राइमरी एक्टिविटी कैन टेक प्लेस, या इफ देयर इज एनी लावा फ्लोइंग फील्ड है, ठीक, तो वहाँ पर ये प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है, क्लियर। नाउ द प्राइमरी सक्सेशन ऑन ए टेरिस्ट्रियल साइट्स और द न्यू साइट इज फर्स्ट कॉलोनाइज बाई दी पाइनर स्पीशीज, जैसे मैंने बताया था पाइनर स्पीशीज आएंगी और पाइनर स्पीशीज क्या करेंगी, उसको लीड करेंगी, ठीक है ना, और पाइनर स्पीशीज विल कम इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स, लाइकेंस एंड मॉसेस, ठीक, ये पता होना चाहिए आपको कि जो पाइनर स्पीशीज हैं वो पहली बार आएंगी इन द फॉर्म ऑफ द मॉसेस, लाइकेन एंड द माइक्रोब्स। अब यह एक देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन है दैट दी लाइकेंस विच आर कैपेबल ऑफ दी इनिशिएटिंग दी इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन इन दी बेयर रॉक, तो बेयर रॉक में भी जो लाइकेंस हैं दे आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग दी इकोलॉजिकल सक्सेशन आर एक्चुअली दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, तो किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लाइकेन, ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मीन्स दी लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ दी एल्गाई एंड दी फंगस, क्यों, देखिए होता क्या है, जो लाइकेंस होता है ये क्या है, बेसिकली इट इज़ अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक, और ये सिम्बायोटिक रिलेशन सकता है किसके साथ, एलगाई के साथ, ठीक, और बेसिकली कौन सी एलगाई होती है, इट इज़ अ ब्लू ग्रीन एलगाई, इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते, या और साइनोबैक्टीरिया और फंजे होती है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है कि दैट बोथ डिपेंड्स ऑन ईच अदर,
बोथ डिपेंड्स ऑन ईच अदर, मीट इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक अप्रोच, मीन्स गिव एंड टेक की अप्रोच यहाँ पर है. ठीक, नाउ होता क्या है, बेसिकली जो फंगस होता है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर और वाटर एंड मिनरल्स टू दी एल्गाई. इन रिटर्न जो एल्गाई है वो प्रोवाइड करती है क्या, फूड टू दी फंगस. बात समझ रहे हैं, फंगस क्या दे रहा है, फंगस दे रहा है शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू दी एल्गाई, और एल्गाई क्या दे रही है, एल्गाई दे रही है फूड इन रिटर्न टू दी फंगस. तो इस वजह से एल्गाई और फंगस के बीच में क्या है, देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब सिंपल ये होता है कि कहीं पर दो लोग आपस में डिपेंडेंट हैं एंड दे आर टेकिंग एंड गिविंग समथिंग टू ईच अदर, ताकि दोनों की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें. क्लियर, तो इतनी आपको चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए. ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो पाइनर स्पीशीज जो होती है ये डिसअपियर हो जाती है एज दी हैबिटेट कंडीशंस चेंजेस, दैट इज दी इन्वेजन ऑफ द न्यू स्पीशीज. तो यानी कहीं पर अगर इन्वेजिव कोई नई स्पीशीज आ रही है, ठीक है, तो जो भी पाइनर स्पीशीज होगी वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी फ्रॉम दी प्रिसीडिंग कम्युनिटी. ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखें ये कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लगे हैं, तो ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये रिप्लेस हो जाएंगे जैसे ही क्या होगा नया प्लांट आएगा. तो जैसे नए प्लांट आएंगे तो पुराने वाले क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में. तो मैंने बताया कि प्राइमरी सक्सेशन ज़्यादा में ज़्यादा टाइम लगेगा इन कंपेयर टू दी सेकेंडरी सक्सेशन. सेकेंडरी सक्सेशन थोड़ा स्पीड में होगा कंपेयर टू दी प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन को पहले से ही क्या मिल गई, पहले से उसको एक गुड सॉइल मिल गई. ठीक, गुड सॉइल मिल गई और काफ़ी ज़्यादा मैन्योर भी मिल गया. तो यानी कि कुछ पहले से ही प्री कंडीशंस थी जो बनी हुई थी, ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशंस थी वो बनी हुई थी, विच वॉज नॉट इन द केस ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन. क्लियर, सो सेकेंडरी सक्सेशन इट इज़ द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट आफ्टर द कंप्लीट और द पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी. ये कौन से एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, इट इज नथिंग बट द प्राइमरी सक्सेशन या प्राइमरी कम्युनिटी. ओके, नाउ अब आगे बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज अबंडेंट लैंड इज फर्स्ट इन्वेडेड बाई द हार्ड स्पीशीज ऑफ द ग्रासेस दैट कैन सर्वाइव इन द बेयर सनबेक सॉइल. ठीक, यानी कि ये जो पहला जो लैंड है ये किससे सर्वाइव होगा, ये पहले लैंड में क्या आएंगी, पहले लैंड में ग्रासेस आएंगी. ठीक है, इतना चीज़ें आपको यहाँ से पता रहना चाहिए. ठीक, तो ये है सेकेंडरी सक्सेशन जिसके बारे में मैंने बात किया. ठीक है, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन दी प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन इज दैट कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है, ठीक, वो स्टार्ट होता है ऑन दी वेल डेवलप्ड सॉइल. जैसे मैंने बताया था ना, सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो वेल डेवलप्ड सॉइल में स्टार्ट होता है, क्योंकि जो प्राइमरी सक्सेशन है वो पहले से सॉइल बना के गया है और उसी सॉइल में सेकेंडरी सक्सेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर, नाउ अब एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. अगेन क्वेश्चन है, इन द ग्रासलैंड द ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज द पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ. नाउ जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या है, पहले ग्रासेस आती हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ही देखें, यहाँ पर क्या है, ये ग्रासेस हैं. ठीक, और उसके बाद क्या आ गए, उसके बाद प्लांट्स आ गए. क्लियर, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ग्रासेस हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ग्रासेस हैं वो ट्रीज को रिप्लेस नहीं करती. यानी कि ऐसा तो नहीं होता कि ग्रासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएं, ठीक है, और इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाएं कि वो ट्रीज़ को रिप्लेस कर दें, यानी कि जो ट्रीज़ हैं उसको हटाई दे पूरा और सिर्फ हर जगह ग्रासेस ही हो जाएं. ऐसा क्यों नहीं होता, तो ऐसे ना होने के कई सारे फैक्टर्स हैं. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजिंग, ठीक है ना, ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग होती है ग्रेजिंग की वजह से भी क्या है, ग्रेजिंग की वजह से जो 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 ग्रासेस हैं, ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो कंट्रोल में रहता है. इवन सबसे ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट फायर. ठीक, फॉरेस्ट फायर जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, वरना फिर बहुत ज़्यादा ग्रासेस हो जाएंगी. ठीक, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. नाउ सो द करेक्ट आंसर अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, वाटर लिमिट्स एंड दी फायर, यानी कि जो पानी की कमी है और फायर है, ये दोनों एक ऐसे फैक्टर हैं जो लिमिट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक, ताकि जो ग्रासलैंड है वो ट्री इकोसिस्टम को पूरा बर्बाद ना कर दे. क्लियर, नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द ग्रासेस फॉर्म्स द क्लाइमेक्स कम्युनिटी. तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ग्रासेस होती हैं वो क्या होती हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी को फॉर्म करती हैं. एंड ग्रासलैंड आर द ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल दैट वंस द डिफॉरेस्टेशन इन द वाटर स्कार्स एरियाज गिव वे टू द ग्रासेस. यानी कि कहीं पर भी सपोज कोई फॉरेस्ट लगा हुआ है और उस फॉरेस्ट में पानी की कमी आ गई है, ठीक, वाटर स्कैर्सिटी है. सो बिकॉज ऑफ द वाटर स्कैर्सिटी जो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट है, इट विल कन्वर्ट इन टू ग्रासेस. ठीक, या आप ऐसे बात कर सकते हैं कि जो ग्रासेस हैं, ठीक, वो ग्रासेस फॉरेस्ट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं. सो द ग्रासेस आर नॉट कन्वर्टिंग इन टू द फॉरेस्ट बिकॉज ग्रासेस नीड मोर वाटर. ठीक, और क्योंकि उतना वाटर होता नहीं है, सो वाटर इज अ लिमिटिंग फैक्टर. वाटर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, क्लियर. एंड देयर इज ऑल्सो द फॉरेस्ट फायर और वाइल्ड फायर. सो फॉरेस्ट फायर और वाइल्ड फायर, दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द कॉज, क्लियर. नाउ फिर हम बात करते हैं आगे द टर्म होम्योस्टेटिस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होम्योस्टेटिस. ठीक, होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है. देखिए जो होम्योस्टेटिसिस्ट क्या है, ठीक, ये एक इकोसिस्टम में भी होता है, इसे आप देख सकते हैं. ठीक, और इवन होम्योस्टेटिक्स जो होता है वो वाटर में भी होता, सॉरी होम्यो जो स्टेटिस्टिक है वो इकोसिस्टम में होता है, ठीक, और उसके साथ साथ प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है. अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द होम्यो स्टेटिस. नाउ होम्यो जो स्टेटिस है इसका मतलब होता है टू मेंटेन्स ऑफ द इक्विलिब्रियम. मतलब आपने क्या करना है, आपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना है. ठीक, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करोगे, विद द सराउंडिंग. तो आप क्या कर रहे हो, जो आपकी सराउंडिंग है उस सराउंडिंग से आप इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रख रहे हो. ठीक, सो बेसिकली इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. जबकि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको आप मेंटेन करके रख रहे हो. ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गर्मी में स्वेट करते हैं. ठीक, तो जो बॉडी की जो स्वेटिंग होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को कूल करती है. तो स्वेटिंग क्या करती है, स्वेटिंग हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है उसको बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक, मतलब थ्रू द वाटर. ठीक, और हमारी बॉडी को क्या करती है, कूल करती है. तो कहने का मतलब है हम जो अपनी सराउंडिंग है, ठीक है, उससे होम्योस्टेटिस्टिक को मेंटेन करके रख पाते हैं. मींस डजेंट मैटर बाहर का टेम्परेचर कितना हो, द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी विल ऑलवेज बी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फारेनहाइट. इतना टेम्परेचर हमारा हमेशा ही बैलेंस में मेंटेन रहेगा. नाउ अब हम बात करते हैं कि दो तरह के एनिमल्स होते हैं बेसिकली. ठीक है, एक होता है कोल्ड ब्लडेड मैमल. ठीक, एक होता है वार्म ब्लडेड मैमल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. देखिए कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड मैमल्स में इतना डिफरेंस होता है. कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं और वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म रहता है. ठीक है, तो दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म रहता है मतलब क्या है कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस आर दी वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ठीक, ह्यूमंस आर दी वार्म ब्लडेड एनिमल्स. नाउ जैसे मैंने बताया कि डजेंट मैटर बाहर का टेम्परेचर कितना हो, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है इट विल ऑलवेज बी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फारेनहाइट. इतना तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहेगा. यानी कि हम लोग जो है अपने होम्योस्टेटिस्टिक को खुद से मेंटेन कर सकते हैं. क्लियर, यानी कि वी हैव, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं या वार्म ब्लडेड जो मैमल्स हैं, इनका क्या है, इनका एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, इट्स लाइक दी एलिफेंट्स. ह्यूमंस तो है ही, इसमें एलिफेंट्स हो गए. ठीक, इवन यू कैन टॉक अबाउट दी डॉग्स. ठीक, वेल, कैट, ईगल. तो ये कुछ एग्जाम्पल जो मैंने दिए ये क्या हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दी वार्म ब्लडेड एनिमल. मीन्स ये क्या करेंगे, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, डजेंट मैटर सराउंडिंग का टेम्परेचर इनके क्या है. नाउ
अब हम बात करें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं दैट आर नॉट इन ए पोजिशन टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. सो दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट हेयर द फिश, सो फिश इज नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, हेंस उसको थोड़े टाइम के लिए पानी से बाहर भी आने पड़ता है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द फ्रॉग. फ्रॉग को आपने देखा होगा, मेंढक को, ठीक है, कि वो क्या होता है, पानी से बाहर भी रहता है, पानी के अंदर भी रहता है. तो पानी के बाहर इसलिए आता है और अंदर इसलिए जाता है सो दैट इट कैन मेक दी बेसिकली देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक, उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट दी लिजर्ड. लिजर्ड भी देखा होगा आपने, ठंड में जो होती है वो छुप जाती है. ठीक, इवन दी एलिगेटर, स्नेक. ठीक, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मीन्स दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. तो उसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें पानी के अंदर भी रहना पड़ता है और कुछ टाइम पानी के बाहर भी रहना पड़ता है. एंड सच टाइप ऑफ एनिमल जो कुछ टाइम के लिए पानी के अंदर या बाहर रहते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस. ठीक, जो कुछ टाइम पानी के अंदर और कुछ टाइम पानी के बाहर रहते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात किया दी फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.